युवा लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी गया जिला के टीम रिजाइन कर रही है। वजह क्या? वजह है कि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता का न तो कोई सम्मान है, उठ चुके हैं पार्टी से, इसलिए हमारी योजना सिर्फ सीधा रिजाइन करना है। हम लोग पूरी टीम इससे रिजाइन कर रहे हैं। और जाने का मन बनाया है? कहाँ, कहीं जाइएगा ना रिजाइन करके? नहीं, कहीं नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। कितने कुल कर रहे हैं, कितने लोग? 100 से अधिक। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। लोजपा रामविलास और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो है एक से बढ़कर एक जो है अच्छी खबरें मिल रही थी। इधर जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां से भी चिराग पासवान की पार्टी कमाल करती है और एक सीट जीतकर जो है लोजपा रामविलास जो है वो अब गदगद हो गई थी। लेकिन हुए उपचुनाव के बाद चिराग पासवान फिर से जो है विवादों में घिरे। जीतनराम मांझी के जब बहु चुनाव रही थी वहां चिराग पासवान नहीं जाते हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्माई हुई है। अब ऐसे ही चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है गया से, यानी जीतनराम मांझी के संसदीय क्षेत्र से चिराग पासवान के युवा विंग के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है एक साथ इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि किस तरीके से लोजपा रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं, युवा विंग के अध्यक्ष हैं, वो अपने 100 कार्यकर्ताओं को लेकर एक साथ जो है इस्तीफा दिए हैं। इससे कहीं ना कहीं लोजपा रामविलास और चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। बिहार के गया में चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी की युवा विंग की पूरी कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। करीब 100 नेता कार्यकर्ता के इस्तीफे देने की खबर से लोजपा रामविलास की युवा विंग पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। आरोप लगाया है कि पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा था। देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो प्रेस वार्ता करने पहुंचते हैं और एक साथ जो है वो इस्तीफा देते हैं, जिसके बाद से चिराग पासवान की पार्टी को जो है बड़ा झटका लगा है। और देखिए, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले लोजपा रामविलास जो कि कहा जा रहा था चिराग पासवान अपने दम पे जो है इस लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो अपनी पार्टी को बूम कर दिए थे, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते बन गए थे। चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है, केंद्रीय मंत्री है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले जो है उन्हें बड़ा झटका लगा है। कहां से? जीतनराम मांझी के संसदीय क्षेत्र से। आपको बता दें, इन दिनों विवादों में चिराग पासवान इसलिए भी है कि जीतनराम मांझी की बहू जब इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव हो रहे थे, उस चुनाव में चिराग पासवान नहीं जाते, जिसके बाद से आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच जो है वार पलटवार हो रहा है। इसी बीच गया से खबर आ रही है कि 100 से अधिक कार्यकर्ता जो है चिराग पासवान पार्टी को छोड़कर जो है इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए किस तरीके से विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं पार्टी से, है कि हम लोग यहाँ पे पार्टी से उब चुके हैं और रिजाइन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग रिजाइन कर रहे हैं। युवा लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी गया जिला के टीम रिजाइन कर रही है। वजह क्या है? वजह है कि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता का न तो कोई सम्मान है, न ही किसी का कोई कार्य किया जाता है। पहले तो जब पार्टी हमारी बहुत कमज़ोर थी तो बोला जाता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे साथ 5 सांसद हैं। इसके बाद भी यदि किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी गरीब परिवार का बीमार कोई व्यक्ति पड़ जाता है, उसको इलाज के लिए कहीं भर्ती कराना हो तो हम लोग थक जाते हैं प्रयास करते करते, पेशेंट मर जाता है लेकिन उसको भर्ती नहीं कराया जाता है। आगे क्या योजना? अभी हम लोग इसमें उब चुके हैं पार्टी से, इसलिए हमारी योजना सिर्फ सीधा रिजाइन करना है। हम लोग पूरी टीम इससे रिजाइन कर रहे हैं। और जाने का मन बनाया है? कहाँ, कहीं जाइएगा ना रिजाइन करके? नहीं, कहीं नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। कितने कुल कर रहे हैं, कितने लोग? 100 से अधिक। हाँ, लिस्ट आप लोग को जल्द हम उपलब्ध करा देंगे। आप हैं क्या पार्टी में? हम पार्टी में युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। क्या नाम? मुकेश कुमार। अभी गया जिला के पार्टी का स्थिति है कि पैकेट में पार्टी चलती है। यदि यहाँ कोई कार्यकर्ता कुछ खास लोगों का जी हजूरी नहीं करे तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। कितने दिनों से जुड़े हुए लोजपा से? हम 10 वर्षों से। शुरू से लोजपा में? हाँ, लोजपा में, अभी तक लोजपा में ही थे। और जब कमज़ोर थी तब भी हम वहीं थे, और हमने
पार्टी के मजबूती के लिए बहुत प्रयास किया है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी है। अभी हम लोगों ने 8 दिसंबर का कार्यक्रम भी टिकारे में लिया था 5 सांसद का, लेकिन अब जो रवैया है, अभी यदि कोई कार्यक्रम हमें लेना हो तो अभी एक बार में फ़ोन कोई रिसीव करेंगे, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या जो भी हो, एक बार में कॉल रिसीव करेंगे, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा कॉल हम लोग करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरी बात है कि आज देखिए बेलागंज में घटना हुई, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दौड़े दौड़े आ गए, लेकिन यही घटना एक कोंच में एक खास समुदाय के द्वारा एक व्यक्ति की पीट पीट की हत्या कर दी गई, उसके लिए कोई संज्ञान तक नहीं लिया गया। तो पार्टी सिर्फ एक से तो चलेगा नहीं, एक बस यही सब को तरजीह दिया जा रहा है। हाँ, सिर्फ विशेष व्यक्ति पे ही यहाँ की पार्टी चल रही, बस पार्टी सिर्फ नाम है यहाँ पे। इसके लिए हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी से बात भी की थी बहुत बार, हम लोग इसके पीछे एक साल से प्रयासरत थे कि अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी। हम लोग सबसे मिल चुके लेकिन नहीं ठीक हुई। यहाँ तक कि कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी जुड़ा हुआ है, तो सब लोग का इच्छा होता है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलें। यदि आप एक खास व्यक्ति के नज़दीक नहीं हैं तो आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, आपको सीधे हटा दिया जाएगा रास्ता से। तो कार्यकर्ता कैसे जुड़ेगी हम लोग के साथ, कोई काम हम लोग उसका कर नहीं पाते हैं, इसमें अब बदनामी तो हमारी आती है। हम पे विश्वास करके लोग जुड़ता है, हमसे बोलता है भाई ये काम हमारी होनी चाहिए, यदि हम गलत काम के लिए बोले तो ठीक है, गलत है, लेकिन चिराग पासवान पर है कि वो विजिट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, साथ साथ उनके जो भी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी हैं, सारे लोग बस पार्टी को भटकाने में लगे हुए हैं, इसको मजबूत बनाने में नहीं है, भटकाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे साथ सभी हाँ, जैसे महासचिव हैं बलराम प्रसाद चौधरी, उपाध्यक्ष हैं, फिर आपका ये राजू जी मानपुर प्रखंड अध्यक्ष हैं। कुछ खास व्यक्ति है या फिर सीधे चिराग पासवान आपको नहीं? नहीं, हम लोग को बहुत कम पहुंचने ही दिया जाता है। बीच वाले लोग जो प्रदेश में हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा सभी को विचलित कर दिया जाता है। अभी अभी शिकायत नहीं की थी पासवान से मिलकर? लिखित शिकायत भी किए थे हम लोग, कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई नहीं, कोई नहीं। हम लोग एक साल तक इंतजार किए कि आप सुधर जाएगी, आप सुधार होगा, आप सुधार। यदि कहीं कोई प्रोग्राम करना हो, बहुत प्रोग्राम में सबको पता है कि प्रोग्राम में क्या होता है, कितना एक्सपेंस होता है, क्या होता है, उसके लिए हम हैं, और कार्यकर्ता का यदि कोई कार्य आ जाए तो फिर हम नहीं हैं, तो किस काम के लिए फिर हम यहाँ पे हैं? इससे अच्छा है कि हम पदमुक्त रहें। मुकेश कुमार जुवा जिला अध्यक्ष गए। जो चिराग जी की जो पार्टी है वो एक नारा देती है कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, और इसी मूल सिद्धांतों पे हम लोग काम कर रहे थे हमारी पार्टी। क्योंकि जिस तरह का अभी अपने कोंच में घटना हुई, जिसकी हम लोग एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति को पीट पीट के एक भरी बाजार में मौत के काट उतार दिया जा रहा है, उस घटना पर किसी का संज्ञान अभी तक नहीं आया, और इसी तरह की घटना और जगह होती है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहारी फर्स्ट का मतलब जाति फर्स्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का निर्माण कार्यकर्ताओं से होती है, और कार्यकर्ता पार्टी का आत्मा और विचार सिद्धांत सब होता है। जब कार्यकर्ता की बातों से पार्टी विमुख होने लगेगी, उस पार्टी का सर्वनाश विस्तृत निश्चित है। आज हम युवा जो कमेटी हमारा गया का है, सब एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। ये प्रतिकार करने का हम लोग का साधन है कि अगर आप आज से अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो पार्टी, किसी भी पार्टी का विनाश का पहला सीढ़ी शुरू हो गया। इसलिए हम सभी एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। हम आपको बार बार ये सचेत करना चाहेंगे कि हम सभी एकजुट हैं, एक जगह होकर हम आज इस्तीफा दे रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राज्य स्तर के लोग हों, केंद्रीय स्तर के लोग हों, या जो आज यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी पर कहीं ना कहीं हम लोग दोषारोपण कर रहे हैं। हमारी बातों को पहुँचाना होगा। ठीक है, कार्यकर्ता क्या करता है? हर गांव का, हर समाज का आवाज़ होता है। जैसे जिक्र होता है, किसी पेशेंट का फ़ोन आता है कि मेरा कोई पेशेंट एक्सीडेंटल केस है, कोई पैजनीस केस है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का केसेस होते हैं। हम उनके लिए चाहते हैं बेहतर सुविधा दिलवाएं। अगर वो नहीं मिलता, हमारा पदाधिकारी सहयोग नहीं करेंगे, तो समाज में जाकर हम काम कैसे करेंगे? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा सुना ही नहीं जा रहा।
तो नहीं सुना जाएगा तो हमें तो इस्तीफा देनी ही होगी। जैसे अभी जिला महासचिव मोहम्मद आबिद हो, लेकिन एम्स में बीमार थी, लेकिन वहाँ भी इनका भी सुनाई नहीं हो रहा। जब पदाधिकारी